बहुत ही प्यारी लग रही है मैडम ऐसे। और हम यहाँ पे बच्चों के स्वागत के लिए तैयार हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। फर्स्ट ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से, और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने स्कूल में। तो गाइज, आज हमने साड़ी पहनी हुई है। तो आज है 10th वाले का फेयरवेल, और यहाँ पे 9th वाले यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फेयरवेल की तैयारी चल रही है, बच्चे अभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। 10th वाले बाद में आएंगे, तो ये 9th वाले बच्चे हैं। तो गाइज, फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हम बाहर पे हैं, और अभी बच्चे आए नहीं हैं 10th वाले। जैसे ही बच्चे आएंगे उनको भी आपको दिखाएंगे, और पूरी फेयरवेल पार्टी मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ सीढ़ियों से ऊपर, और ऊपर से मैं आपको विद्यालय का व्यू, स्कूल का व्यू यहाँ पे बहुत ही मस्त लगता है, तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं। आज बच्चे नहीं हैं, बच्चों की छुट्टी है क्योंकि यहाँ पे फेयरवेल है। सामने बैंजाड़ी गांव नीचे, और सामने हिमालय कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सरस्वती विद्या मंदिर ही एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे भारत माता की ओम और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और यहाँ पे ये 3 फोटोज हमेशा वंदना में लगती हैं, और दीप प्रज्वलित भी होता है। और यहाँ से हिमालय के व्यू बहुत ही मस्त लगता है। चलते हैं नीचे, और मैडमों से भी आपको मिलाते हैं। सभी मैडमें आ चुकी हैं, और ये मैडमें भी आ चुकी हैं। तो सब साड़ी में हैं आज, बहुत ही प्यारी लग रही है मैडमें सब। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। सुजाता मैम, वैष्णवी मैम, और ये हैं प्रीति मैम। तो यहाँ पे सारी मैडम, सारी नहीं है, दो भाग में हैं, दोनों को दिखाते हैं आपको। और ये है स्कूल की दीदी, उनको अंदर, और काफी तैयारियां इन्होंने कर ली हैं। और 10th वाले भी आने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, आज हमारे स्कूल में 10th वालों का फेयरवेल, और हम यहाँ पे बच्चों के स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं, स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हो रखे आ गए हैं 10th वाले। सबके पैर छू रहे हैं बच्चे, यहाँ के संस्कार देखिए विद्या मंदिर के। Thank you.
यार मैं सब हो गए।